एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम एक और अच्छा सा हेल्दी नाश्ता आपके लिए लेकर आए हैं, जो बनेगा गेहूं के आटे से। ये मैंने 1 कप मेजर करके गेहूं का आटा ले लिया है, जो रेगुलर आटा हम चपाती बनाते हैं जिसकी। और इसमें मैं डाल रही हूं ये कटी हुई मेथी, जो 1/2 कप के करीब है। आप अगर मेथी ज्यादा नहीं पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, धनिया यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने 1/2 कप ही ग्रेटेड गाजर, ग्रेटेड नहीं सॉरी चॉप्ड, बारीक चॉप किया हुआ गाजर है, ग्रेट नहीं किया है। ये क्रंची सी लगती है इसलिए मैंने इसको चॉप किया है। ये 2 गाजर हैं और 2 प्याज हैं जिनको बारीक काट लिया है। खूब सारी सब्जियां हम इसमें डालने वाले हैं। कुछ कटा हुआ हरा धनिया है, 1 हरी मिर्च है जिसके बीज निकाल कर मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो बीज के साथ डाल सकते हैं अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून में इसमें डाल रही हूं। 2 पिंच हम डालेंगे इसमें हींग, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहां मैं आपको दिखाऊं, मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 2 पिंच हल्दी पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, 2 पिंच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, आप स्किप कर सकते हैं, नमक लिया है स्वाद के अनुसार। ये सब भी हम इसमें डाल देंगे। इसको करेंगे अब हम इसमें मिक्स, आटे में मिक्स करेंगे। देखिए काफी सारी सब्जियां हैं, थोड़ा सा आटा है, और आप चीला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसका बहुत अच्छा नाश्ता बनने वाला है। पानी से हम इसको घोलेंगे, जैसे 1 कप आटा है तो 1 कप से ज्यादा ही पानी लग जाता है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और इसका बैटर बनाएंगे। थोड़ा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होगी बैटर की। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए 1 ग्लास के करीब पानी हमने इसमें डाल लिया है और कुछ इस तरह का ये हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए ना रख देंगे, उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। तो 10 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करके रख रहे हैं। 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए थोड़ा ये बैटर जो है वो सेट हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा थिक है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके चीले जो हैं उतारने के लिए तैयार है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉनस्टिक तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया है, उसको हमने घी से थोड़ा ग्रीस कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाऊं, ये बैटर इतना पतला होना चाहिए। ये देखिए 2 कड़छी छोटे वाली हम डालेंगे और इसको ऐसे फैला लेंगे। कितनी सारी सब्जियां हैं, मेथी है, बहुत न्यूट्रिटिव ये है, और आप हाथ से भी इसको ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा जो थिक है वो आप हाथ से ऐसे, गैस को बिल्कुल धीमा रखिए, तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे। ये देखिए, और ये हमारा कितना अच्छा बैटर जो है वो फैल कर तैयार है, सारी सब्जियां हैं इसके अंदर। अब हम इसको सिकने देते हैं। देखिए हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, हम इसको थोड़ी देर कवर करके पकाएंगे। देखिए ये पूरा ऊपर से इस तरह का कलर इसका चेंज हो गया है। इस समय हम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा घी, और मैंने सब्जियों को फ्राई करके इसमें नहीं डाला है, ताकि ऑयल और घी है वो कम से कम हम इसमें यूज करें। तो बस हल्का सा आप देसी घी लगाइए, और ये नाश्ता देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना। चेंज है, आटा सबके घर में होता है, सब्जियां सबके घर में पड़ी हैं, आप कोई भी सब्जी स्किप कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा ये सिकने वाला है। अब हम इसको इधर से पलटेंगे ध्यान से। ये देखिए बहुत अच्छे से ही सिक रहा है, और इसमें भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, वो आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। और पेशेंस से सेकेंगे ताकि अंदर से जो है कच्चा ना रहे, बहुत मोटा हमें इसे नहीं बनाना है। सिकते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो गई हैं। अब हम ये देखिए
कितना कलरफुल, कितना बढ़िया ये बनकर तैयार है चीला। आप इसे कुछ भी कहिए, चीला कहिए, पराठा कहिए, मतलब ये एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो अब हम तवे पर एक और डाल रहे हैं। आप छोटा बनाना चाहें तो छोटा बना सकते हैं। ये देखिए, और इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके पकाते हैं, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ऊपर से कलर काफी चेंज हो गया है। नमक वगैरह आप जरूर टेस्ट कर लीजिए बनाने से पहले, ताकि ये ना लगे कि किसी चीज की कमी रह गई है। मिर्च जैसा खाते हैं, मसाले जैसा खाते हैं, वैसा ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, ऊपर से लगा दिया हमने इसमें घी, और अब हम इसको पलटेंगे। अगर आप शुरू में बना रहे हैं तो थोड़े छोटे बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया है, उसको पलटने में ना आपको आसानी होगी। और ये इस टाइप से हम पलट लेंगे। देखिए, दूसरी तरफ से भी ये बहुत अच्छा सिक गया है। और इसको घी लगा देंगे। इधर से हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये सिक कर तैयार है। बस आपको पेशेंस के साथ सेकना है, और सभी सब्जियां डाली हुई हैं इसलिए फैलाते समय आपको ध्यान रखना है, सब्जियां बारीक कटी होनी चाहिए। और ये यम्मी सा नाश्ता प्लेटिंग के लिए तैयार है। तो लग रहे हैं ना यम्मी? ये देखिए कितने अच्छे ये बनकर तैयार हैं चीले। आप सॉस के साथ खाइए, आप रायते के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए। और बहुत मोटे नहीं हैं, देखिए बिल्कुल पतले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पतले पतले आप चीले बनाइए और खाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।